सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। एक बार फिर नई जानकारी देने के लिए एक वीडियो और बनाया है आप लोगों के लिए। पहले मैंने वीडियो बनाया था बौद्ध धर्म में पारिग्रहण या विवाह करवाने की प्रक्रिया क्या होती है, भंते या बौद्धाचार्य शादी कैसे करवाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जा करके चेक कर सकते हैं, इससे लास्ट वाला वीडियो यही है। और जितने भी साथी न्यू हैं चैनल पर, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जो भी हमारे न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुँचेंगे। और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें ताकि हमें पता चल सके कि और किस पॉइंट पे वीडियो बनाना है, वो कमेंट में लिखें। कैसे वीडियो बन रहे हैं, क्या कमी है और अच्छा लगा वीडियो या नहीं लगा, तो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो का पूरा क्रेडिट राष्ट्रीय अध्यक्ष बौद्धाचार्य डॉक्टर SN बौद्ध जी को जाता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये वीडियो बनाया गया है। आज का जो टॉपिक है, बुद्ध धर्म में मृत्यु या अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, बौद्ध धर्म में अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, बौद्धाचार्य के द्वारा बौद्ध धर्म में अंतिम संस्कार कैसे कराया जाता है या किसी भंते या भिक्खु के द्वारा बौद्ध धर्म में अंतिम संस्कार कैसे करवाया जाता है। बौद्ध धर्म तर्क विज्ञान पर आधारित है, इसलिए समय और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते हैं। रूढ़िवादी में बंधे नहीं होते हैं, फिर भी हम मौजूदा समय में निम्नलिखित प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। शव यात्रा निकालते हैं, मृतक को नहलाकर अगर मृतक मृतिका बुद्धिस्ट था या थी तो पंचशील की चादर सबसे ऊपर से ढकते हैं, अगर बुद्धिस्ट नहीं थे तो नीला चादर या सफेद चादर से ढकते हैं। शव यात्रा के लिए पंचशील ध्वज लेकर कुछ लोग आगे और पीछे चलते हैं और साथ ही साथ ये उच्चारण करते हैं, जीवन मरण सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो मृतक को शव यात्रा कैसे होती है, मृतक को नहलाते हैं, अगर मृतक मृतिका बुद्धिस्ट हैं तो पंचशील की चादर ऊपर से ढकते हैं, अगर बुद्धिस्ट नहीं थे तो नीली चादर या सफेद चादर से ढकते हैं और पंचशील ध्वज लेकर कुछ लोग आगे और कुछ लोग पीछे चलते हैं और इस तरह से उच्चारण करते हैं, जीवन मरण सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। राम नाम सत्य है का प्रयोग वर्जित है, इसका प्रयोग हमें कभी नहीं करना है। बौद्ध धर्म में मृतक को जलाते दफनाते जल प्रवाह क्या करते हैं, ये सवाल सभी का रहता है कि बौद्ध धर्म में शव को क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए, दफनाना चाहिए या जल प्रवाह करना चाहिए। यहाँ भी समय और परिस्थितियों पर आधारित है। दफनाना सबसे उचित है कि शव को मिट्टी में दफना दिया जाए, जिससे कि सबसे कम खर्च और प्रदूषण रहित उचित प्राकृतिक प्रक्रिया है। दफनाने की प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है समय और परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि शव मिट्टी में दफना दिया जाए तो उससे खर्च भी कम होता है और प्राकृतिक क्रिया के द्वारा शव नष्ट हो जाता है। और जलाना, जहाँ पर दफनाने या मिट्टी में दबाने के लिए जगह नहीं है तो वहाँ पर जला सकते हैं। और जल प्रवाह ज़्यादातर नदी किनारे रहने वाले लोग करते हैं, जिनमें शव को भारी पत्थरों आदि से वजनी बनाकर गहरे जल में प्रवाहित कर देते हैं। जहाँ पर दफनाने की और जलाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती है वहाँ पर जल प्रवाह की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मुस्लिम धर्म में दफनाते हैं, हिंदू में जलाते हैं, तो बौद्ध में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें दफनाना ही है या जलाना है या सिर्फ जल प्रवाह ही करना है। यहाँ पे परिस्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार कार्य करना है। अब क्वेश्चन ये है कि संस्कार कैसे करें, शव का संस्कार बौद्ध भिक्षुओं या बौद्धाचार्य द्वारा ही कराएं या खुद करें, ब्राह्मणों के द्वारा शव का संस्कार न कराएं। संस्कार में एक सूत्र का पाठ करते हैं, त्रिफरण पंचशील
भक्तिदान और सबसुख गाथा का पाठ करके समापन करते हैं और वापस घर चले जाते हैं। संस्कार बौद्धाचार्य या बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही होगा और उसमें सुत्त का पाठ किया जाएगा, शांति पाठ, परित्राण पाठ, पुण्यानुमोदन ये सब होता है। त्रिश्रवण, पंचशील, पतिदान, सबसुख गाथा का पाठ करके संस्कार समाप्त करते हैं। शांति पाठ, परित्राण पाठ कैसे होता है? शांति पाठ दो तीन या चार दिन में ही करवा लेना चाहिए। जैसे कि आप व्यवस्था कर रहे हैं, मृत्यु भोज नहीं कराना चाहिए क्योंकि इससे मृतक के परिजनों को और कष्ट पड़ता है, जो कि अंधविश्वास पाखंड है। मृत्यु भोज खाने वाले लोग दोषी होते हैं, इसलिए हमें मृत्यु भोज नहीं करवाना चाहिए। शांति पाठ या परित्राण पाठ करवा लेना चाहिए और वो भी 14वें दिन नहीं करना चाहिए। शांति पाठ या परित्राण पाठ दूसरे या तीसरे या चौथे दिन ही कर लेना चाहिए। शांति पाठ क्यों कराते हैं? क्वेश्चन ये है, कुछ लोग कहते हैं कि मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, जो बिल्कुल गलत है। मृतक तो शांत ही हो गया है। शांति परिजनों को चाहिए। जो लोग शोकाकुल होते हैं, दुखी होते हैं, इसलिए जल्दी ही शांति पाठ कराने से लोगों के दिलों दिमाग से दुख निकलेगा और सभी का ध्यान मृतक से हटकर दूसरे कार्य और जिम्मेदारियों की ओर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शांति पाठ कराना। शांति पाठ दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन करवा लेना चाहिए। और शांति पाठ एक बात याद रखें, मृतक की आत्मा की शांति के लिए नहीं होता है, ये उनके परिजनों की आत्मा के परिजनों की शांति के लिए होता है, जो कि शोकाकुल होते हैं। और शांति पाठ कराने के बाद में वो अपने अन्य कार्य जिम्मेदारियों से करते हैं। पुण्यानुमोदन करते समय त्रिश्रण, पंचशील, भीष्मरण, भीम सतूति, संकल्प, प्रतिदान, परित्राण पाठ, पुण्यानुमोदन, सबसुख गाथा, आशीर्वाद, सरलांतयन, इस प्रकार से परिजनों को तथागत गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी कहानियों को सुनाकर लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और मृतक के जीवन काल के बारे में अच्छी बातों को लोगों को बताते हैं। रिश्ते और परिजनों के द्वारा मृतक के बारे में बोलने के लिए प्रेरित करते हैं और सभी लोग मृतक द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं। उपस्थित लोगों को आप जलपान या भोजन कराएं। भोजन में मिठाइयाँ और डांस गान का प्रयोग गलत होता है, इसलिए भोजन में मिठाइयां, डांस गान का प्रयोग न करें। तो पुण्यानुमोदन में ये चीज याद रखें, त्रिश्रण, पंचशील, भीष्मरण, भीम सतूति, संकल्प, प्रतिदान, परित्राण पाठ, पुण्यानुमोदन, सबसुख गाथा, इस सब का पाठ जरूर करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हमारे और भी वीडियोस देखें, सभी वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और जो वीडियो हम बनाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचेंगे।